औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहि रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे सामीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज एक भाई ने सवाल किया था कि इल्मुल अदाल यानी इल्म जफर क्या है, इसके मुतल्लिक तफसील बताएं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इल्म हासिल करना हर इंसान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, ठीक है, ये अहदीस में आया है। तो कोई भी इल्म है हो सीखना चाहिए, कोई इल्म गलत नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो कहते हैं कि फलां इल्म गलत है, तो वो एक इल्म है, इंसान को अगर उसके मुतल्लिक नॉलेज होगी तो इंसान उसके मुतल्लिक कोई बात करे, वरना इल्म किसी भी चीज़ का हो, कुरान का हो, कंप्यूटर साइंस का हो या जदीद बायोलॉजी का हो, वो हासिल करना फ़र्ज़ है माँ की गोद से लेकर कब्र तक। तो अब हम आते हैं इल्मे जफर की डिटेल, जैसे कि ये 786 बिस्मिल्लाह के तौर पर लिखा जाता है, या अली के लिए आयन के लिए 70 अल्फाज, ये और लाम के लिए 30 और ये के लिए 10, यानी अली 110। तो अब हम इसकी डिटेल बताते हैं कि ये है क्या। अब इस से मुराद लोहे महफूज यानी तकदीर। इस इल्म का हसूल है जिसमें माजी के मुस्तकबिल के जुज़वी और कुल्ली मालूमात दर्ज हैं। बाज़ लोगों का ये दावा है कि हज़रत अली ने बस्ते आज़म की तरतीब से एक चमड़े यानी जफ़र पर 28 हरूफ लिखे और उन हरूफ से मखसूस शराइत के साथ कुछ ऐसे अल्फाज निकाले जो तकदीर का राज मुहैया करते हैं। फिर यही इल्म इल्म अहल बैत और उनसे मोहब्बत करने वालों को विरसा में हासिल हुआ, और अहल बैत इस इल्म को दूसरे लोगों से, जितने भी लोग थे उनसे छुपा कर रखते थे। ये भी कहा जाता था कि इन हरूफ के इसरार और रमूज को हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो थे 12वें इमाम, जो किसी गार में गायब हो गए थे, क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगे, इसी इल्म की बदौलत वो गायब हुए और उनके सिवा ये इल्म कोई नहीं जानता। अब ये एक राज है कि अल्लाह ताला ने उन्हें आसमान पर बुलाया और एक जंग होनी है दिजाल के साथ, ये एक और लंबी तफसील है, ये फिर किसी एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो अब आगे चलते हैं कि उनके सिवा कहा जाता है कि ये इल्म मुकम्मल तौर पर कोई नहीं जानता। मालूम यह होता है कि बाज़ लोगों के हाँ इल्म जफर से मुराद हरूफ का ऐसा इल्म है जिसमें हरूफ की मख्फी असरार के साथ तकदीर की बाबत मालूमात हासिल की जाती हैं, और जिन लोगों ने इसे इल्म जफर करार दिया उनके नज़दीक इसे इल्म जफर इसलिए कहा जाता है कि हज़रत अली ने सबसे पहले इन हरूफ को चमड़े यानी जफर पर लिखा था। इल्म जफर के हवाले से उर्दू दायरतुल मआरिफ में लिखा है कि एक अददी इल्म है जिसमें मख्फी मानी की मदद से वाकियात, खसूसत अन जितने भी आने वाले वाकियात, ताबीर या उनकी इतला हासिल की जाती है। ये कशफी या जनी रिवायत बाज़ ख़ास हलकों में बड़ी मकबूल हुई, ठीक है। बाज़ हलकों की सरतोड़ कोशिश के दौरान जो इब्तदाई बाहमी इख्तलाफात से कमज़ोर हो गए थे और बिलखसूस अल मुतवक्किल के अहद खिलाफत में सख्त जबर व तशद्दुद का शिकार बने, एक कशफी और अलकाई अदब का आगाज़ हुआ। ये अदब मुख्तलिफ शक्लों में मंजरे आम पर आया, जिस पर बहसियत मजमूई जफर के इस्म का आम इतलाक होता है। अक्सर इसके साथ इस्म जामे या सिफ्त जामे का भी इजाफा कर दिया जाता है। जफर का रुझान माफूकुल फितरत और कायनाती पैमाने पर रोयत आम की तरफ है, यानी इब्तदाई सूरत में इल्हामी नौयत के ऐसे इल्म बादनी से हटकर जो आयमा यानी हज़रत अली के वारिसों और जानशीनों से मखसूस था। अब ये पेशनगोई एक ऐसे तरीक़ेकार से मंसूब होने लगी जिस तक हर हसब व नसब के माकूल आदमी खसूसन सूफिया हजरात की रसाई हो सके। इसी तरह अल जफर नामी एक किताब भी इस इल्म के हवाले से मरूफ हुई, जिसके बारे में ये दावा किया जाता कि फ़िरका ज़ैदिया के सरदार हारून बिन सैयद अल अजली के पास एक किताब थी जिसकी अशात वो इमाम जाफिर सादिक की सनद पर किया करता था। उसमें मुस्तकबिल के इतलाआत दर्ज थी
अब ये हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक जो थे इनके इन्होंने ही हर इल्म दिया। अब ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने ये तरीके निकाले, केमिकल वगैरह उन्होंने बनाए, लेकिन नहीं, ये मुसलमानों की विरासत है। ये सब इल्म जितने भी साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट हम देखें, वो शागिर्द हैं हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों के। तो ये इल्म इस बदौलत से कहा जा सकता है कि हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक से भी मंसूब है। ये डिफरेंट रिवायात हैं। बहरहाल अब जित दर्जल नुकात वाज़े होते हैं कि बाज़ के बकौल ये इल्म हज़रत अली से शुरू हुआ, जबकि बाज़ के बकौल ये इमाम जाफ़िर सादिक से शुरू हुआ। हालांकि इनमें से एक शख्सियत थी भी इसकी कोई सनद या सबूत नहीं मिलता, इसलिए ये कहना ही मुनासिब है कि हज़रत अली और हज़रत जाफ़िर सादिक की तरफ बाज़ लोगों ने इसे मंसूब कर दिया, और ये सही भी है। बाज़ लोगों के बकौल इन हरूफ के असरार को महदी मुंतज़िर के सिवा कोई नहीं जानता, जबकि दीगर लोगों के बकौल अहले बैत और सूफिया इसरार हरूफ के माहिरीन थे। अब देखें, इल्मे रमल हज़रत अली ने मुतारिफ़ करवाया था, ठीक है। हर इमाम ने कोई ना कोई ऐसा इल्म मुतारिफ़ करवाया जो आजकल बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल है। तो ये कहा नहीं जा सकता, डिफरेंट रिवायात हैं इसकी, कि ये इल्म बेसिकली शुरू हज़रत अली ने करवाया था या हज़रत अली ने इल्म रमल शुरू करवाया था और ये इल्म जफ़र हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक में, ये डिफरेंट रिवायात हैं। इसका अब खसूसी हवाला जब किया जाए फिर इसकी डिटेल निकाली जा सकती है। अब मुकम्मल हिस्ट्री, चूँकि इसकी मुकम्मल हिस्ट्री मैंने आज तक नोट नहीं की, तो जितनी डिटेल मुझे पता थी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि जितने भी मतलब लोग कहते हैं कि ये इल्म इनसे मंसूब है, अब उनका ये आइडिया मुकम्मल मतलब पढ़ना चाहिए, फिर ही हमें मालूमात मिलेगी। अब बाज़ लोगों के बकौल इन हरूफ के इसरार को हज़रत महदी समझते हैं, मतलब आज तक ये इल्म किसी को नहीं आता, लेकिन ये इल्म लोग सीखे हुए भी हैं और इल्मुल अदाद, ये अदाद बनाकर उनसे सवाल जवाब हासिल भी किए जा सकते हैं। अब ये हकीकत है कि ये इल्म है, ठीक है। अब इसकी दौम ये है कि गिनती या लुगत के हरूफ या कुरानी हरकत मक्तआत वगैरह के बारे में शरीयत ने कोई इसरार अर्ज नहीं बताए, बल्कि एक गैब दानी दावे के मुतरादिफ है, ठीक है। अब ये डिफरेंट चीज़ें कि हम किसी काहिन या किसी आमिल के पास या इल्म नजूम या पामिस्ट के पास जाना एक गुनाह है, ठीक है, किस्मत का हाल बताने वाले के पास जाना गुनाह है, लेकिन कुछ इल्म ऐसे होते हैं अगर हम किस्मत का हाल ना जानना चाहे, वैसे इल्म की हैसियत से इसे हासिल करें, तो ये एक इल्म है और इल्म हासिल करना फ़र्ज है, हम कह सकते हैं। अब देखते हैं कि हज़रत इमाम मूसा बिन जाफ़र अल काज़िम ने इरशाद फरमाया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी अयाम हयात ज़ाहिरी में हज़रत अली को साथ लेकर कोहे अहद पर तशरीफ़ ले गए और मुताबिक हुक्म वही पहाड़ी बकरियों को सदा दी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा पर लबैक करते हुए वहाँ जमा हुई। हज़रत अली ने उनमें से एक चार माह की बकरी के बच्चे को पकड़ा और बहुकम नबी ज़िबा किया, इसकी खाल को साफ़ करके तैयार किया और जिब्राइल अमीन कलम दवात और ऐसी स्याही लाए जो कि ज़मीन की बनी हुई ना थी, और फरमाया बकरी की इस खाल और स्याही की तहरीर को ज़मीन की मट्टी कभी पुराना ना कर सकेगी ना हरूफ को मिटा सकेगी। स्याही का रंग सब्ज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को लिखवाते जाते थे। ये मखसूस वही क़यामत के आने वाले तमाम हालात वाक़ियात, ज़ाहरी और बातनी तगैरात, औलियाए अल्लाह सादात वग़ैरह के साथ पेश आने वाले हवादिस और उन आने वाली हुकूमतों के बारे में थी। अब हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किताबुल जफ़र के मज़ामीन हरूफ अबजद की सूरत में थे और हज़रत इमाम हसन मुजतबा ने इसमें से हरूफ अलिफ बा सीन लाम ता आखिर पढ़कर सुनवाए और फरमाया हर हर जो भी हर्फ है में से एक एक हर्फ का इस्तखराज होता है और इल्म जफ़र में से जो हिस्सा लोगों तक पहुँचा वो सिर्फ उन दो हर्फों के मुतल्लिक है जो इस किताब में है, ठीक है। अब
इमाम ने फरमाया पूरे इल्म जफर पर अबूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या वसीय नबी के अलावा किसी आम फ़र्द को हासिल नहीं हो सकता। इमाम मज़कूर ने मज़ीद फरमाया किताब जफर अगर चे शर्त बस्त के लिहाज से इस कदर तफसीली है कि इसमें हर शख्स की मौत व हयात मसाइब और इब्तला का जिक्र है, मगर हुजम के लिहाज से ये एक मुख्तसर सा सहीफ़ा था जिसको जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपनी तलवार ज़ुल्फ़कार के दस्ता से बांधे रहते थे। अब अगर हम ये डिटेल पढ़ें और ये भी एक बुक का हवाला है, ठीक है, बुक्स में से लिया गया है, तो देखा जाए तो इस लिहाज से ये इल्म नबी पाक का दिया हुआ है, तो फिर कोई भी इल्म को कोई बुरा नहीं कह सकता। हम कह सकते हैं कि ये एक नॉलेज थी और नबी पाक ने हमें क़यामत की निशानियां जो बताई या जो कुछ बताया, डिफरेंट वाकियात हैं, ठीक है। एक तो गैब का इल्म अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन नबियों पर वही होती थी और अल्लाह के नबी बहुत कुछ जानते थे, वो इन्हीं अलूम की वजह से जानते थे जो अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें सिखाए गए थे, ठीक है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।